नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत का बच्चा बच्चा अपने देश की आन बान शान के लिए कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहता है। देशभक्ति का यही जज्बा हिंदुस्तान को दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग, काफी खास बनाता है। खासतौर पर गांवों की मिट्टी देशभक्ति की ऊर्जा का स्रोत होती है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके हर घर में देशभक्ति का जज्बा और हर युवा के दिल में सैनिक बनकर देश सेवा करने की हसरत पनपती है। शायद यही वजह है कि इस गांव को फौजियों का गांव कहते हैं। ये गांव है यूपी के पूर्वांचल के गाजीपुर जिले का गहमर गाँव, जहाँ कई पीढ़ियों से देश सेवा के लिए फौजी बनना एक परंपरा रही है। गहमर का हर युवा आज भी फौजियों के गांव की इस परंपरा की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से संभाले हुए हैं। गाजीपुर में फौजियों का ये गांव जहां एशिया का सबसे बड़ा गांव है, तो वहीं औसतन हर घर में यहां एक सैनिक इस गांव की शान बढ़ा रहा है। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। गाजीपुर के गहमर गाँव की फिजाओं में शायद यही लफ्ज हर पल गूंजते हैं। गहमर की मिट्टी, हवा और पानी भी देशभक्ति और देश सेवा के जज्बे को खुद में समेटे हुए हैं। यही वजह है कि गांव के हर शख्स के लिए फौजी बनकर देश सेवा करना ही उसका पहला लक्ष्य होता है। गांव की गलियां हों, बाग, खेत खलिहान हों या फिर गंगा के घाट हों, हर जगह युवा फौज में भर्ती के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए नजर आते हैं। गहमर के हर युवा के दिल में फौज में भर्ती होकर देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का हौसला उन्हें बेमिसाल बनाता है। गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसकी कुल आबादी 1,20,000 है। तकरीबन 25,000 मतदाताओं वाला गहमर 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। गहमर 22 पट्टियों या फिर कहें कि टोलों में बटा हुआ है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सन 1530 में कुसुम देव राव ने सकरा डीह नाम की एक जगह पर गहमर गांव बसाया था। गहमर में ही प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार के लोगों के लिए भी आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन गहमर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ के हर घर में एक फौजी आपको देखने को मिल जाएगा। गहमर गाँव के औसतन हर घर से एक पुरुष सेना में कार्यरत है। गाँव के हर घर में फौजियों की तस्वीरें, वर्दियां और सेना के मेडल फौजियों के इस गांव की कहानी खुद ही बयां कर देती है। मौजूदा वक्त में गहमर के 12,000 से ज़्यादा लोग भारतीय सेना के अलग अलग अंगों में सैनिक से लेकर कर्नल तक के पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 15,000 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक गाँव में रहते हैं। बताया जाता है कि सैन्य सेवा को लेकर गहमर की ये परंपरा पहले विश्व युद्ध से शुरू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में गहमर के 226 सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल रहे, जिसमें से 21 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। देशभक्ति और सैन्य सेवा का यह जुनून अब गहमर वासियों के लिए एक परंपरा बन चुका है। गहमर की पीढ़ियां अपनी इस विरासत को लगातार संभाले हुए हैं। गहमर के सैनिकों ने सन 1962, 1965 और 1971 की जंग में भी भारतीय सेना के लिए अपने हौसले और जज्बे के दम पर पूरी ताकत से मोर्चा संभाला था। फौजियों के इस गांव की एक सच्चाई ये भी है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक गहमर के सैनिक अलग अलग युद्धों में अपनी वीरता और शौर्यता का परचम तो फहराते रहे, लेकिन आज तक किसी भी दुश्मन की सेना उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। गहमर के लोगों की मान्यता ये है कि उनकी कुलदेवी माँ कामाख्या हर मोर्चे पर गहमर के अपने बेटों की रक्षा खुद करती हैं। गहमर का हर एक युवा होश संभालते ही देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की के लिए अभ्यास शुरू कर देता है। फौजियों के इस गांव में युवाओं का मकसद सैनिक बनकर देश सेवा करने का ही होता है। तो ये थी यूपी के गाजीपुर में बसे फौजियों के गांव गहमर की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।